वेलकम टू आर्टिस्ट टू आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कलर सिक्स बीटा आ चुका है और इस वीकेंड बाद समाप्त कलर सिक्स स्टेबल भी आ जाएगा, लेकिन कलर सिक्स को आप कितना भी दूध का धुला कर दो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता और ग्रुप करते हैं जी सी आई इमेज का या कस्टम रोम का। और जी सी आई इमेज और कस्टम रोम के लिए चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन। और जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली वीडियो में कि हमने कलर सिक्स को सक्सेसफुली डिक्रिप्ट कर लिया है विद दी हेल्प ऑफ अमलिया। और अमलिया वो है जो नारी शक्ति सब पे वाली, जिन्होंने फाइनल डिक्रिप्शन जो बचा हुआ था उन्होंने वो कर दिखाया। सो थैंक्स टू अमलिया सिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है। और उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने फ़ोन का पूरा बैकअप कर लेना किसी सेफ लोकेशन पे, यानी पेन ड्राइव या किसी अदर स्टोरेज पे। और ये उन मेरे दोस्तों के लिए जिनका फ़ोन अनलॉक है और जो कलर सिक्स बीटा चला रहे हैं, सिर्फ वही लोग इसको ट्राई करें। जिनका कलर सिक्स फाइव चल रहा है वो इस चीज़ को ना ट्राई करें, क्योंकि आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रेक या हार्ड ब्रेक हो सकता है। तो जिन्होंने अनलॉक नहीं किया हो वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी मैंने आपको, वहाँ से आप पहले अनलॉक कर लेना और कलर सिक्स बीटा इंस्टॉल कर लेना, तब इस चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है। तो चलो पहले आपको अपने फ़ोन को कर देना है शट डाउन और उसको डाल देना है फास्ट फूड मोड पे। फिर कर देना आपको कंप्यूटर से उसको कनेक्ट। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक जिम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आपको सारे ज़रूरी सॉफ्टवेयर और फाइल्स आपको अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेनी है और इंस्टॉल कर लेनी है। जो आपको सारी फाइल्स दिख रही सामने और जो सॉफ्टवेयर आपको जो दिख रहा है वो सारी चीज़ आपको उसके अंदर जिप के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर इसको सीधे कॉपी और आपको इसको बस एग्जीक्यूट करना है। तो आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर कमांड चलानी है आपको फास्ट फूड फ्लैश रिकवरी और r2x2.img और फिर आपको कर देना एंटर, इससे आपकी रिकवरी हो जाएगी फ्लैश। अब आपको अपना फ़ोन चालू नहीं करना है, बस आपको फास्ट फूड पर उसको रहने देना है और उसके मेन्यू को रहता है उसको चेंज कर देना है वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रिकवरी मोड पर, और यहाँ से पावर बटन से इसको सेलेक्ट कर देना है। क्योंकि अगर आप चेंज बूट करेंगे सिस्टम में तो आपकी रिकवरी चली जाएगी, फिर आप मुझसे मत बोलना क्या हुआ करके। तो बस आपको फॉलो करते जाना है, बहुत इजी स्टेप है, सिंपली हो जाएगी। अब यहाँ आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको पासवर्ड एंटर नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है कैंसिल। कैंसिल पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ स्वाइप टू अलाउ आपको इसको कर देना है। फिर आपको जाना है वाइप पे, वाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है एडवांस वाइप पे, और यहाँ पर आपको पहले कर देना है डेटा अपना वाइप, ठीक है। इसके पहले आप पूरा बैकअप ले लेना, तब आप ये अटैम्प्ट करना, नहीं तो आपका डेटा चल जाएगा, आप मुझसे मत बोलना, ठीक है। बैक करना है, फिर आपको डाल बी के नॉट केस और केस और इंटरनल स्टोरेज सॉरी इसको आपको फॉर्मेट कर देना है। तो ये आपको पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना है डिक्रिप्शन पेज को और माजिक पेज को भी आपको इंस्टॉल करना है। तो ये दोनों जो पेज है ये सारे डिक्रिप्शन के हैं अपने दोनों। तो पहले आपको कर लेना है ये वाले पेज को इंस्टॉल, इससे डिक्रिप्ट होगा। और अब आपको करना है सेकंड पेज इंस्टॉल, इसका नाम माजिक जो बूट इमेज को यानी कर्नल को फेच करेगा। तो इसको आप सॉल्व करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। पेज होने स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा ये टाइम लेगा। और अगर जो आपका फेल बताता है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको आप फिर से इंस्टॉल करें, तो फिर जो आपका हो जाएगा इंस्टॉल। ये सब इंस्टॉल करने के बाद आपको पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा अपनी रिकवरी में, जो खास बात है। और इसका मतलब यह है कि आपका डेटा डिक्रिप्ट हो चुका है और आप जी सी आई वगैरह फ्लैश कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो थोड़ा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और मेरे चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई बूट लूप होगा, तो मुझसे मत बोलना, आगे आप जिम्मेदार हो। आप चाहें तो इसको कलर सीज को डिक्रिप्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फिर रूट ब्लिंकिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप रूट ब्लिंकिंग अभी देखना नहीं चाहते हो, जब तक पेज नहीं आता उसका, तो आप अभी ये सब मत करना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जैसे मतलब अभी चल रहा है आपको वैसे आप चलाओ। अगर हाँ, अब आपको जिसे फ्लैश करना, तो उसका तरीका ये है, वाइप में जाना है, जी सी आई की एक लिंक दे दी है नीचे, तो पहले आप उसको डाउनलोड कर लेना अगर आप फ्लैश करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको सिस्टम वाइप कर लेना है, ये जी सी आई फ्लैश करने का तरीका है। और ऊपर डेटा केस और आर्ट केस इसको भी आपको फॉर्मेट पहले आपको कर देना है। फिर इसके बाद आपको सिस्टम इमेज फ्लैश करनी है डिसेंडेंट की। फिर आपको आना है इंस्टॉल पे, और यहाँ पे आपको करना है इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना है। पहले आपको यहाँ देख लेना आपने कहाँ सेव किया है सिस्टम आई एम जी को, तो यहाँ पे इंस्टॉल इमेज पे आपको क्लिक करना है, तो ये आई एम जी फाइल जो रहती है वो विजिबल हो जाएगी। और इस पर आपको क्लिक कर देना और इसको आपको सिस्टम इमेज वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप सेलेक्ट करके यहाँ स्वाइप करके इसको इंस्टॉल कर देना है।
और इस वीडियो को भी लाइक कर देना है इंसोरिटी के लिए। अदर जी से ट्राई करना चाहते हैं तो आपको चुनना पड़ेगा आर्म 64 और ए वी टाइप, और आपको रिसेंट पेज देखने पड़ेंगे, मतलब जो मैं है और उसके जो पहले मंथ रहा उसका पेज आपको देखना पड़ेगा, तभी आपके ये फ़ोन पे रन कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी, ये इसके रूल एंड कंडीशन है। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा, और ये फ्लैश हो रहा है, फिर आपको कर देना रिबूट सिस्टम पे, फिर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट बूट पे मतलब बूट नहीं होता है, कभी कभी सेकंड बूट पे भी होता है, तो ये थोड़ा सा आई डोंट नो क्या है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब जैसे आपको पहला बार बूट नहीं होता तो आप सेकंड बार उसको बूट करने की कोशिश करना, वो बूट हो जाएगा, देखना आप ये बूट हो जाएगा सक्सेसफुल। तो हमारी रोम डिसेंडेंट हो चुकी है सक्सेसफुली बूट। आज के लिए बस इतना ही, अगर इसके जो एरर्स हैं और जो बग्स हैं वो मैं खुद पर्सनली फिक्स करने की कोशिश करूँगा अगर हो सकता है तो, और उसके पेज बनाऊँगा जितने उससे बन सकते हैं। तो इसी के साथ आपको चैनल का देना है सब्सक्राइब और लाइक भी और शेयर भी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपसे मिलते बाद में, टेक केयर।